आइए नौ सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं मराठा आरक्षण से जुड़ी कुछ ताजा अपडेट्स की। महाराष्ट्र के जालना में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों और पुलिस में इंदेवाड़ी इलाके में फिर हुई झड़प, दोनों तरफ से किया गया पथराव। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में 360 के खिलाफ केस दर्ज हुआ, अभी तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने कहा फिलहाल स्थिति नियंत्रित है, 15 बसों और कई गाड़ियों में लगा दी गई थी आग। मराठा संगठन से जुड़े लोग आज मुंबई में करेंगे विरोध प्रदर्शन, मराठा मोर्चा संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी। मुंबई के दादर इलाके में सुबह 11 बजे से शुरू होगा विरोध प्रदर्शन। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंचे जालना, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया भरोसा, आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग। उद्धव ठाकरे ने संसद के विशेष सत्र में ही मराठा और ओबीसी आरक्षण बिल पास करने की मांग की। जालना में हुई हिंसक घटना के लिए सरकार को ठहराया है जिम्मेदार, पुलिस लाठीचार्ज को बताया बर्बरता। जालना की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की, हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा दिया, कहा आरक्षण पर बातचीत जारी। एनसीपी नेता शरद पवार पहुंचे जालना, घायलों का जानना हालचाल, उनका हालचाल पूछा, पुलिस प्रशासन को दी चेतावनी, अगर पीड़ित लोगों की बात नहीं सुनी गई तो पूरे महाराष्ट्र में भड़क सकती है हिंसा। महाराष्ट्र के बीड में बंद के दौरान हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन, आरक्षण समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव, कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। जालना में हिंसा के विरोध में मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। और आइए नौ सेकंड न्यूज में आपको अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। राजस्थान में आज लगेगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, 12 में दो दिवसीय हनुमंत कथा का कराया जा रहा है आयोजन। मध्य प्रदेश के दूधी नदी में नहाते समय हादसा, नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे, बच्चों की तलाश के लिए घंटों तक चला सर्च ऑपरेशन। मथुरा में चल रही कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, इस बार जन्माष्टमी में नजर आ रही चंद्रयान 3 की थीम, मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 24 ईएसआई हॉस्पिटल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, ओपीडी ब्लॉक में रखे इन्वर्टर रूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जालौर में मकान की दूसरी मंजिल से गिरी बच्ची, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डॉक्टर्स ने बच्ची को सकुशल बचाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्व की धूम, राज्यपाल आरिफ ने मोहम्मद ओणम फेस्टिवल रैली को दिखाई हरी झंडी, रैली में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। केरल में नजर आ रही है ओणम फेस्टिवल की रौनक, लोगों में बोट रेस का उत्साह दिखाई दिया, पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, महिला की मौत, कई लोग झुलसे, घनी आबादी के बीच दूसरी मंजिल पर चल रही थी फैक्ट्री। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला गरमाया हुआ है, घटना के विरोध में मेरठ में वकीलों ने बंद रखा कामकाज, रजिस्ट्री ऑफिस भी जबरन बंद कराया। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, हादसे में 9 यात्री घायल हुए, ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ, दंपत्ति की हालत नाजुक। मुंबई जयपुर फायरिंग में मारे गए मोहम्मद असगर के समर्थन में जुटे लोग, असगर के परिवार के लिए वादा पूरा कराने की मांग की, 4 और 6 सितंबर को फिर होगी जनसभा। थाने के भिवंडी में सालों पुरानी 2 मंजिला इमारत गिरने से हादसा, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकाला, देर रात हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के उन्नाव में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ, एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया है, वायरल वीडियो की जांच जारी है। एमपी के इंदौर में हनुमान मंदिर की दान पेटी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तस्वीर, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।